नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप, जिशार आपके साथ। और सबसे पहले इस 11 स्पेशल की हम शुरुआत करेंगे। कोरोना काल में बंद हुई अधिकांश सेवाएं दोबारा बहाल हो गई है। ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही हैं, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, बाजार सजे हुए, लेकिन कोयलांचल की लाइफ लाइन को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इससे लोग काफी आक्रोशित है। क्या है वो लाइफ लाइन, पहले इस रिपोर्ट को देखिए। रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। कोयलांचल के लोग कर रहे इंतजार, कब चलेगी धनबाद चंद्रपुरा सवारी गाड़ी। कोरोना काल में बंद हुआ था परिचालन, कई गाड़ियों का परिचालन दोबारा हुआ शुरू, लेकिन डीसी ट्रेन का परिचालन अब भी बंद। जबकि डीसी ट्रेन है यहाँ की लाइफलाइन। धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड की सबसे प्रमुख ट्रेन धनबाद चंद्रपुरा सवारी गाड़ी यानी डीसी ट्रेन के परिचालन को लेकर एक बार फिर कोयलांचल वासी आंदोलन के मूड में है। कोरोना काल में बंद हुई 26 जोड़ी ट्रेनों में से कई ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन इसी रेलखंड की लाइफलाइन डीसी ट्रेन का परिचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। साथ ही कई ट्रेनों का ठहराव भी कतरास स्टेशन पर नहीं हो रहा है, इससे लोगों में काफी गुस्सा है। डीसी ट्रेन हमारा जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि हम लोग कोयलांचल वासी जो है धनबाद से लेकर आपका रांची तक में जो भी जुड़ा हुआ हर छोटा छोटा स्टेशन से हम लोग गुजरते हैं। हम लोग दैनिक मजदूर है, वो चाहे फल व्यवसायी हो, आपका सब्जी व्यवसायी हो, जितने भी लोग है कोयलांचल से जुड़े हुए, वो सारा इस ट्रेन के ऊपर आश्रित है। गौरतलब है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र का हवाला देकर पीएमओ के निर्देश पर पहले भी इस ट्रेन को बंद किया गया था, लेकिन यहां के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद इसका परिचालन दोबारा शुरू हो गया और अब एक बार फिर उसी स्थिति में यहां के लोग गुजर रहे हैं और एक बार फिर आंदोलन की रणनीति भी बना रहे हैं। देखिए, रेलखंड एक काफी लंबे समय तक एक आंदोलन किया गया शांतिप्रिय तरीके से कतरास और आसपास के लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, जब यहाँ से 26 जोड़ी ट्रेनों को बंद किया गया था, बाद में रेलवे प्रशासन आंदोलन के सामने झुकते हुए सारा अपने फैसले को वापस लिया और सारे ट्रेनों का संचालन पुनः यहाँ से स्थापित किए। लेकिन यहाँ जो कतरास का जो मेरा जो लाइफलाइन कहा जाता है वो है डीसी ट्रेन, डीसी सवारी गाड़ी के लिए, क्योंकि डीसी सवारी गाड़ी से काफ़ी मात्रा में डेली दिहाड़ी मजदूर, स्कूल के विद्यार्थी, नौकरी पेशा करने वाले लोगों का आवागमन होता है। अशोक प्रकाश लाल के पिता दिवंगत कांग्रेसी नेता ओपी लाल इन रेल आंदोलनों के जनक माने जाते हैं, जिनकी वजह से क्षेत्र में इतनी ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। लेकिन डीसी ट्रेन का परिचालन ना हो पाना सभी को कचोट रहा है, क्या छात्र और शिक्षक, क्या मजदूर और क्या कारोबारी। डीसी रेलखंड बंदी के बाद एक बार फिर से चालू हुआ, लेकिन इस रेलखंड का लाइफलाइन माना जाने वाला डीसी सवारी गाड़ी। लंबे समय से कोयलांचल के लोगों को यह मांग भी है कि डीसी ट्रेन को फिर से चालू किया जाए, क्योंकि यह ट्रेन लोगों के दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से मांग बुलंद हो रही है डीसी ट्रेन के लिए, रेल प्रशासन, रेल प्रबंधक इस दिशा में किस तरह की पहल करती है। बागवाड़ा से न्यूज 11 भारत के लिए अशोक कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।